हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है फिर ये। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का आठवां दिन, अष्टमी। तो आज के दिन हमारे पूरे गांव में जागरण होता है। तो दिखाते हैं आपको कि कैसा जागरण होता है, और पहाड़ में बताते हैं कि पहाड़ में कैसा जागरण करते हैं सारे लोग। और देवता भी आएंगे, साक्षात देवताओं के दर्शन कराएंगे आपको। और आज का कैमरामैन है सुमित। तो जागरण के दिनों में सुमित भी आया था हमारे साथ, तो ये रहा सुमित। बाकी सारे लोग आए हमारे परिवार से, तो दिखाऊंगा आप आगे ब्लॉग में। और पूजा भी होगी आज ही, तो दिखाएंगे मस्त तरीके से। तो अभी जाते हैं हम जागरण की जगह में, यहीं पर है हमारे घर के बगल में। तो फिलहाल जागरण दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं कि कितने लोग आए हैं। तो सीधा चलते हैं जागरण में। तो चल
बोले जमीदार भूमिदार की, बोले सनातन धर्म की जय। बोल सतबोल बल साचे दरबार की जय। जय बोल सतबोल। बल साचे दरबार की जय। दरबार की जय। बोले भी अंदर।
सनातन धर्म की। जय बोल सतबोल, जय बोल सतबोल। हाल वाली को हाल हर हर करा मालिको हर हर करा। जय बोल सतबोल, जय बोल सतबोल। बरसाचे दरबार की। तो दोस्तों फाइनली जागरण भी कंप्लीट हो चुका है फिर अभी, और अभी भाई और मैं जा रहे हैं ऊपर मंदिर में, वहाँ पर होने वाली है पूजा। अभी जागरण कंप्लीट हो गया, आज होती है पूजा, तो फिलहाल करते हैं पूजा। और मेरा गला भी बैठ गया जय जय बोलते बोलते, तो फिलहाल ऊपर मंदिर में पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे पूजा होती है और क्या क्या करते हैं हम आज के दिन में। और पहुँचते हैं पहले सीधा मंदिर में, तो चलो। तो गाइस अगर आपने हमारी फर्स्ट नवरात्रि वाली पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बाकी लोग तो पहले चले गए हैं और भाई और मैं अभी जा रहे हैं, तो कुछ अभी जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद हमने बेलनी होंगी रोटियाँ और पूरियाँ बेलनी होंगी, क्योंकि आज पूरियाँ बनती हैं। तो हलवा पूरी बनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे मस्त प्रसाद के तौर पर। और फिर निलोटी वाले मंदिर में जाएंगे, वहाँ भी पूजा करेंगे मस्त। तो दिखाऊंगा आपको पूरा जागरण तो खीर। और वहाँ बनती है खीर, भैया बताते रह रहे हैं मुझे क्या क्या बनता है करके। तो वहाँ बनती है खीर, वो भी बाले के लिए, जिसका जनेऊ नहीं हो रखा होता है वही खाता है उसको। हमारा तो हो गया है कप का ही। तो फिलहाल पहुँचते हैं ऊपर मंदिर में और वहाँ का पहले दिखाते हैं आपको पूजा पाठ और बाकी के कार्यक्रम, तो फिर उसके बाद दिखाएंगे निलोटी का। तो चलो। खुला हुआ नहीं है क्या? What?
माता की जय। दोस्तों फिलहाल यहाँ मंदिर की पूजा तो कंप्लीट हो चुकी है और ज़्यादा मैंने ब्लॉग तो किया नहीं, खाली क्लिप्स शूट किए हैं तो वही डालूंगा चैनल में। और अभी हम जा रहे हैं निलोटी वाले मंदिर में, भराणा देवता का मंदिर है तो आपको भी दिखाते हैं वहाँ का सीन। और जाना है सीधे हमने वहाँ पर, देख सकते हैं आप आमने सामने में है, बीच में नदी पड़ती है निलोटी का। तो फिलहाल पहुँचते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आपको कि कैसा करते हैं पूजा करके। यहाँ की तो दिखा दी और वहाँ की दिखाते हैं, वहाँ खाना वाना भी बनाना होगा हमने, पूरी हलवा बनाना होगा सब, और खीर भी बनती है वहाँ, तो सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो सीधे पहुँचते हैं निलोटी। दोस्तों फाइनली हम मंदिर में आ चुके हैं निलोटी और अभी जा रहा हूँ दुकान में बल्ब लेने, क्योंकि अभी रात भी होने वाली है और लाइटिंग के लिए बल्ब चाहिए। तो फिलहाल बल्ब लगाते हैं यहाँ पर और बल्ब लेके आते हैं, फिर दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या काम होने वाले हैं। तो चलो तो दोस्तों फाइनली पूजा पाठ होने के बाद सारे लोगों ने प्रसाद ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर, और फिलहाल अभी दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है। घर पड़ता है बहुत दूर, हाँ फिलहाल अभी जाना है घर और घर जाके सामान ले जाना है, ये चकला बेलन। तो फिलहाल चलते हैं फिर और घर जाके दिखाते हैं, कुछ मिलता है तो नहीं तो ब्लॉग को एंड करेंगे। तो चलो घर सीधा। तो दोस्तों फाइनली अभी हम भी आ चुके हैं फिर पूजा पाठ करके निलोटी वाले मंदिर में। तो अभी बज रहे हैं 9 और सारे लोगों को नींद भी आ रही है, क्योंकि प्रसाद तो सारे लोगों ने खा लिया और पेट भी भर लिया प्रसाद से ही। तो फिलहाल सब लोगों को नींद लग रही है, आधे लोग सो गए जितने आए थे और अभी हम सब भी सो रहे हैं। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कितना काफ़ी लंबा ब्लॉग भी था और इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी था। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको
नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. तो आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. कितना काफी लंबा ब्लॉग भी था और इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी था. तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना.